ये नीला रंग जय भीम वालों का है। ये लाखों की भीड़ अम्बेडकर वादियों की है। ये भीड़ संविधान प्रेमियों की है। यह भीड़ भारत के उन मूल निवासियों की है जिन्हें सदियों से वंचित रखा गया। बता दें कि कर्नाटक के एक जातिवादी जिला जज मल्लिकार्जुन गोंडा को रायचूर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तिरंगा फहराने से पहले गांधी के बगल में रखी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर हटाने के कथित तौर पर आदेश देना महंगा पड़ा है। इस आदेश के बाद न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 19 फरवरी को बेंगलुरु में लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दैनिक न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट ने रैली की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार रैली बुलाने वाले अनुसूचित जाति के संगठन संविधान सुरक्षा महा ओकोट्टा के अनुसार करीब 1.5 लाख लोग अंबेडकर की तस्वीर वाली तख्तिया और नीले झंडे लेकर रैली में शामिल हुए। रैली का समापन फ्रीडम पार्क पर हुआ जहां मुख्यमंत्री बसवराज मई ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें दोषी जज के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस घटना पर डॉक्टर संजय खोबरागढ़े ने अपनी एफबी वॉल पर वीडियो शेयर करके लिखा कि कर्नाटक के रायचूर जिले के एक न्यायाधीश जो कॉलेजियम प्रणाली से चुने गए थे 26 जनवरी को ध्वज को सलामी देते हुए महापुरुष बाबा साहब की मूर्ति को जबरन हटाकर बाबा साहब और संविधान में विश्वास करने वाले लाखों लोगों का अपमान किया। जरा सोचिए फोटो हटाने की तो ये भीड़ है। अगर संविधान हटाने की बात करें तो इस देश का एक एक रास्ता ऐसे संविधान प्रेमियों से भर जाएगा। जय हो जय भीम। यह रैली उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें संबंधित जज को निलंबित करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के बजाय केवल उनका तबादला कर दिया गया था। जज के निलंबन और उनके खिलाफ FIR की मांग राज्य भर के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ही विभिन्न नागरिक संगठन कर रहे थे। यह घटना सामने आने के तत्काल बाद ही 27 जनवरी को संबंधित जज के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का दबाव बनाने के लिए रायचूर में कई अनुसूचित जाति के संगठनों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन जज का केवल तबादला किया गया। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति के नेताओं ने मुझे विस्तार से घटना समझाई है। मैं संबंधित लोगों से चर्चा करके जल्द ही इस संबंध में पत्र लिखूंगा। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान निंदा है। किसी भी परिस्थिति में हमारे संविधान के निर्माता का अपमान करने वाला कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखने में सबसे आगे हैं। हम संविधान के अनुसार न्याय प्रदान करेंगे। अनुसूचित जाति के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा कि तबादला सजा नहीं होता और जज के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जज जातिवादी मानसिकता के थे, इसलिए ही उन्होंने सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को आधिकारिक समारोह का हिस्सा बनाए जाने के आदेश के बावजूद भी तस्वीर हटवा दी। विवाद के तूल पकड़ने के बाद गोंडा ने प्रेस में एक बयान जारी करके कहा, कुछ वकीलों ने मुझसे संपर्क करके मांग की कि सरकारी आदेश के अनुसार अंबेडकर की तस्वीर महात्मा गांधी की तस्वीर के बगल में रखी जाए। मैंने उन्हें बताया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हमारे लीडर्स ग्रुप में कहा है कि सरकारी आदेश हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष है और हमें मामले में फैसला होने तक का इंतजार करने के लिए कहा गया और मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे मजबूर न करें। इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य, जिला और तालुका स्तर की सभी अदालतों को सभी आधिकारिक समारोह में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है जरा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख रहे थे बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।